पार्टनर बना ले प्लीज। प्यार में बैठ के जुड़ी कभी नहीं बैठती। बेकार प्लान। क्यों है करण जौहर के लिए ये फिल्म खास और फिल्म में दिखेंगे कौन से फॉरेन कंट्रीज? इंडिया में कहां हो रही है इस फिल्म की शूटिंग? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को फिल्म के हीरो यानी कि रणवीर सिंह के बर्थडे पर ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। साथ ही ये वो फिल्म है जिससे करण जौहर एक बार फिर डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से करण जौहर ने एक भी फिल्म डायरेक्ट नहीं की है। दोस्तों, बता दूं कि ये दिल है मुश्किल उनकी आखिरी फिल्म थी जिसको करण ने डायरेक्ट किया था। अब कुछ वक्त पहले तक कहा जा रहा था कि करण फिल्म तक से एक बार फिर डायरेक्शन शुरू करेंगे, लेकिन वो फिल्म कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, इसलिए करण अब इस फिल्म से डायरेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। बात की जाए फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की, तो फिल्म के पहले स्केड्यूल की शूटिंग कुछ फॉरेन कंट्रीज में हुई है जिसमें मॉस्को और रशिया जैसी जगह शामिल है। फिल्म की प्रिंसिपल शूटिंग तो इंडिया में हो रही है, जहां देश की राजधानी दिल्ली को फिल्म का सेंटर लोकेशन दिखाया जाएगा। वहीं दोस्तों, दिल्ली के अलावा फिल्म में उत्तर प्रदेश के कुछ फोर्ट्स और किले आपको नजर आने वाले हैं। वैसे इस फिल्म का जितना भी पार्ट फॉरेन में शूट किया गया है, उसमें सिर्फ आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ही शूट किया गया है। फिल्म के बाकी एक्टर्स की शूटिंग इंडिया में ही की जा रही है। अब इस बार फिल्म में आपको नई जनरेशन और ओल्ड जनरेशन की भी कहानी एक साथ दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों जहां फिल्म में एक तरफ रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की लव स्टोरी नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म में एक हिस्सा जया बच्चन की कहानी के नाम होगा। वहीं अगर बात करें फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के स्टार कास्ट की, तो इसमें आलिया भट्ट, रणवीर सिंह के अलावा बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, जया बच्चन, शबाना आजमी भी अहम किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। जया बच्चन ने इससे पहले करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम और कल होना हो में काम किया था। अब इस फिल्म को धर्म प्रोडक्शन के बैनर तले रिलीज किया जाएगा और दोस्तों करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट सामने आ गई है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर ये फिल्म 2023 में 10 फरवरी को रिलीज होगी। तो आप लोग बताइए कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता।